Hey guys, what's up? I'm Karan Reads and welcome back to my channel. So guys, कैसे आप सभी? I hope आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, झकास होंगे बिल्कुल. So guys, वीडियो का टाइटल थंबनेल देखा ही होगा तो guys समझ गए होंगे वीडियो हमारी किस टॉपिक पर होने वाली है. So guys, मैं आज आप सभी को एक ऐप के बारे में बताऊंगा जिसमें guys आप अपनी एक क्लिक में अपनी फोटो को पेंसिल स्केच टाइप फोटो एडिटिंग बना सकते हो. So guys, कैसे आप सभी को बनाना है आगे वीडियो में सब कुछ बताऊंगा. So guys, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो, आपकी एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है. So guys, वीडियो का अच्छा रिएक्शन दो यार, वीडियो का रिएक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं यार, तो गाइस यार थोड़ा सपोर्ट करो यार अपने भाई को प्लीज यार. सो गाइस, आप सभी को अब करना क्या है, वीडियो को स्टार्ट करनी है ठीक है. एंड गाइस, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से जाओ बेल आइकन को प्रेस कर लो. एंड गाइस, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किस लिए दे रखी है यार आपके फॉलो करने के लिए, तो गाइस वहां से जाकर मुझे फॉलो करो. एंड गाइस, स्क्रीन पे भी मैंने दे रखा अपना यूजर नेम करण मंडल एडिट्स. इंस्टाग्राम पे जाकर सर्च करोगे धड़पेड आराम से सबसे भाई तुम्हारा टॉप पे आ जाएगा. तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते. सो गाइस, सिंपली आप सभी को करना क्या है, इस ऐप का लिंक मैं आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा गाइस, कोई दिक्कत की बात नहीं, वहाँ से डाउनलोड कर लेना. एंड गाइस, मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो गाइस वीडियो को मैं सीधा बिना किसी रिकॉर्ड के स्टार्ट कर लेता हूँ. सो गाइस, मैंने इस ऐप को ओपन किया ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऑफलाइन ऐप है बिल्कुल आराम से चल जाएगा, कम MB का भी है ठीक है. तो आपसे सिंपली डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर में अवेलेबल है. एंड गाइस, अगर आपको उसका लिंक चाहिए हो तो मैं गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगा, वहाँ से भी जाकर इंस्टॉल कर लेना ठीक है. तो गाइस, आप सभी को करना क्या, इसमें कुछ ऊपर आपको कैमरा का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ से कैमरे वैसे मतलब गाइस डायरेक्टली फोटो क्लिक कर सकते हो ठीक है. एंड आप सभी को ऊपर इसके ठीक सामने गैलरी का ऑप्शन दिख रहा होगा, जो कि गाइस आपकी गैलरी में फोटो सेव होगी, आप उसको भी ले सकते हो. तो गाइस, मैं गैलरी पे क्लिक करता हूँ ठीक है, एंड अपनी फोटो को कर लेता हूँ ओपन. सिंपली मैं इस वाली फोटो को ओपन कर लेता हूँ. एंड गाइस, आप सभी को इसमें दिख रहा होगा गाइस क्रॉप का ऑप्शन. गाइस, इसमें पहले स्टार्टिंग में जैसे आप इसको ओपन करोगे तो गाइस आपको क्रॉप के लिए आपको गाइस जैसा जितना आपको क्रॉप करना हो आप इसमें कर सकते हो गाइस ठीक है. जैसे गाइस, मैं आपको साइज दिखा देता हूँ गाइस, जैसे क्लिक कर करके ठीक है, इस तरीके से आप अपने फोटो क्रॉप कर सकते हो. तो गाइस, मैं इसको ओरिजिनल में ही रख लेता हूँ ठीक है, एंड ऊपर से कर लेता हूँ डन ठीक है. डन करने के बाद गाइस आप सभी को कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा गाइस ठीक है. सो गाइस, आप सभी को मैं इसमें सारे एक एक फिल्टर दिखाऊंगा गाइस चेक कर करके एक एक करके ठीक है. सो आप सभी को ऐसे स्क्रॉल करना, आपको काफ़ी सारे फिल्टर्स मिल जाएंगे गाइस ठीक है, एक के बाद एक फिल्टर्स मिल जाएंगे. सो गाइस, आप सभी को मैं कुछ फिल्टर्स को क्लिक इनको मैं इफेक्ट्स को आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ इनमें फोटो में पेस्ट करके ठीक है. सो हम चल लेते हैं बिल्कुल एंड वाले फिल्टर में. सो ऐसे स्क्रॉल करके आप जाओगे सीधा एंड वाले फिल्टर में चले जाओगे ठीक है ऐसे. सो गाइस, आप सभी को मैं सबसे लास्ट वाले इस फिल्टर को पहले गाइस पेस्ट कर दिए देखिए गाइस, इसको मैंने जैसे क्लिक किया गाइस एक क्लिक में हमारी फोटो एकदम बिल्कुल वैसी हो गई ठीक है, इस पेंसिल वाली. तो गाइस, मैं इसकी थोड़ी ओपेसिटी भी मैंने कम करी तो गाइस देखिए ओपेसिटी भी थोड़ी सही लग रही है, आप अपने हिसाब से ओपेसिटी भी रख के इसको कर सकते हो ठीक है. सो गाइस, आप सभी को मैं नेक्स्ट वाले फिल्टर को क्लिक करके देखता हूँ, चेकआउट करके दिखाता हूँ कि गाइस कैसी लगती है. तो गाइस जी देखिए, इसका भी अगर हम इसकी ओपेसिटी को भी कम कर लेते हैं, बैलेंस कर सकते हैं यहाँ से. सो गाइस, आप अपने हिसाब से देख के आप कर सकते हो. तो गाइस, मैं आपको नेक्स्ट वाले फिल्टर को क्लिक करके दिखाता हूँ, ये देखिए गाइस, ये भी गाइस देखिए कितना ऑसम लग रहा है गाइस. लेकिन इसकी आप अपने हिसाब से आप अब इसके ओपेसिटी को बैलेंस कर सकते हैं गाइस ठीक है. तो मैं गाइस आपको एक एक फिल्टर दिखाऊंगा गाइस ठीक है. अभी मैं आपको गाइस वैसे दिखा रहा हूँ कार्टून वाले. सो गाइस, मैं आपको पेंसिल वाले दिखाता हूँ, ये देखिए गाइस, ये पेंसिल वाले जो ये है ये वाला इफेक्ट, इसको गाइस आप इस तरीके से आप रख सकते हो गाइस. एंड आप इसके ओपेसिटी को गाइस अपने हिसाब से रखना, बिकॉज गाइस ओपेसिटी की बात है इसमें सारी फोटो में ठीक है, क्योंकि इसकी इसमें जितने भी इफेक्ट है ना गाइस सारे मतलब थोड़े स्टार्टिंग में इफेक्ट जैसे डालोगे ना गाइस तो थोड़ी फोटो अच्छी नहीं लगती. तो गाइस, इसके ना फिल्टर्स को आप बैलेंस कर लेना आप अपने हिसाब से ठीक है. सो गाइस, मैं और स्क्रॉल करता हूँ गाइस, इसमें आप जब इस ऐप को इंस्टॉल कर दो गाइस एक एक इफेक्ट को गाइस एक इफेक्ट को चेक करना गाइस ढंग से. मैं गाइस आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं बता पाऊंगा क्योंकि गाइस वीडियो लंबी हो जाएगी गाइस, तो इसलिए मैं आप सभी को जितने हो सकता है मैं उतने बता देता हूँ ठीक है. सो गाइस, हम आ जाते हैं एकदम फर्स्ट वाले पे ठीक है. इसको मैंने इस वाले को मैंने इसमें पेस्ट किया इफेक्ट को ठीक है. एंड इसको गाइस ये देखिए, इसकी ओपेसिटी को मैंने इतनी कम रखी है. एंड गाइस देखिए फोटो हमारी कितनी ऑसम लग रही है ना गाइस. सो गाइस, आप सभी को वैसे चेक करना. एंड गाइस, मैं आपको नेक्स्ट वाला फिल्टर इफेक्ट दिखाता हूँ गाइस, ये देखिए इस इफेक्ट को मैंने किया. तो एंड गाइस देखिए, ये इससे भी हमारी फोटो बहुत ऑसम लग रही है ठीक है. एंड गाइस ये वाली भी. एंड गाइस, आपको इसमें फोटो को कैसे सेव करनी है उसकी कोई दिक्कत नहीं है गाइस, इसमें फोटो एकदम HD में सेव होगी हमारी गैलरी में. सो गाइस, मैं आप सभी को दिखाता हूँ कैसे करनी है आप सभी को सेव. गाइस, आप सभी को सबसे ऊपर गाइस ये अंडो के बगल में आपको गाइस एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा गाइस, आपको इस पर क्लिक करना है ठीक है. आपको इसमें तीन वो मिल जाता है वो कैसे आपको सेव करनी. तो गाइस, मैं HD में कर लेता हूँ. एंड गाइस ठीक है, आप यहाँ से सेव कर सकते हो ठीक है. एंड ऐसे आप शेयर भी कर सकते हो. एंड गाइस FB पे भी अपलोड कर सकते हो. एंड गाइस Instagram पे भी अपलोड कर पोस्ट कर सकते हो ठीक है.
सो गाइस आप सभी को करना क्या, आपको इस वाले एच डी पे क्लिक करके गाइस आपको फोटो को सेव वाले आइकन पे क्लिक कर देना, एंड गाइस आपकी फोटो सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। सो गाइस हम बैक आते हैं, ठीक है। बैक आने के बाद गाइस हम इसको अनडू कर लेते हैं, एंड गाइस आप सभी को इधर आना है, बगल में फिल्टर वाले ऑप्शन है, ठीक है। सो गाइस मैं फिल्टर भी दिया हूं, इसमें एक एक ऑसम ऑसम फिल्टर है, मस्त मस्त से, ठीक है। सो मैं आपको एक एक फिल्टर को गाइस मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ, ठीक है। ये गाइस देखिए मैंने ये वाला फिल्टर देखा, ये भी फिल्टर मस्त लग रहा है, ठीक है। एंड आप सभी को एक इसमें अगर आपको पूरे ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर लगाना है या गाइस ब्राइटनेस वाला, तो गाइस आप इस वाले फिल्टर का भी यूज़ कर सकते हो। एंड गाइस आपको बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में करना है तो गाइस आप इस फिल्टर का भी यूज़ कर सकते हो। आपको गाइस में हर एक तरीके का फिल्टर मिल जाएगा, ठीक है। आप जैसा फिल्टर चाहते हो आपको वैसा फिल्टर मिल जाएगा। अगर आपको अपनी फोटो में ज़्यादा ब्राइटनेस चाहिए तो आपको वो फिल्टर भी मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो आप सभी को ये आप इसमें देख सकते हो गाइज। अगर मैं गाइज आप सभी को सारे फिल्टर यूज़ करके नहीं दिखा सकता गाइज, क्योंकि यार वीडियो लंबी हो जाएगी, यार आप बोर हो जाओगे, वीडियो छोड़ के चले जाओगे। सो गाइज आप इंस्टॉल करना इस ऐप को, ठीक है, इस वीडियो को पूरी देखने के बाद। एंड गाइज आप एक एक फिल्टर का यूज़ करके देखना आराम से, बहुत टाइम देना, एक एक आधा आधा घंटे का टाइम देना गाइज, क्योंकि एडिटिंग का कोई 5 मिनट का काम नहीं है। तो गाइज हम आते बैक, ठीक है, हम दोबारा जाएंगे गैलरी वाले ऑप्शन में, ठीक है। हमें आप सभी को एक फ़ोटो वैसे ही गाइज जैसे नेचुरल फोटो को क्लिक करते ना गाइज, वैसे फोटो को इसमें मैं आपको कलर करेक्शन करके दिखाऊंगा, ठीक है। सो मैं गाइज अपनी फोटो को ढूंढ लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ तो मिल नहीं थी मेरे को गाइज, सो मैं गैलरी से सीधा डायरेक्टली गैलरी से ले लेता हूँ, ठीक है। सो मैं गैलरी में गया गाइज, ठीक है, मैं अपने फोल्डर में गया, एंड गाइज मैं यहाँ से फोटो को ले लेता हूँ, ठीक है। आप गाइज नेचुरल फोटो को भी आप इसमें कलर करेक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम बढ़िया, ठीक है। सो हम आ गए, एंड गाइज आप सभी को इसमें थर्ड ऑप्शन दिख रहा होगा एडिटर का, ठीक है। इस एडिटर पे गाइज आप ब्राइटनेस को क्लिक करेंगे गाइज, आप ब्राइटनेस को भी आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं गाइज इसमें, ठीक है। ये देखिए जैसे गाइज मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये गाइज मैं आप अपने ब्राइटनेस को आप जैसे भी मतलब रख सकते हो, ठीक है गाइज। एंड उसके बाद आप सभी को नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा इसमें, ये गाइज ये जो फिल्टर एंड इफेक्ट है गाइज ये ज़्यादा कुछ यूजफुल नहीं है, ज़्यादा अच्छी नहीं है गाइज, ठीक है। तो मैं आपसे को दोबारा इसमें इफेक्ट कुछ डाल देता हूँ, दिखा देता हूँ इसमें भी इफेक्ट डालकर। सो गाइज मैं इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आया, ठीक है, आप सभी को इफेक्ट देख सकते हो गाइज, इसमें भी इतने अच्छे अच्छे इफेक्ट लग रहे हैं, मतलब गाइज ये वाले फिल्टर्स, ठीक है। ये फिल्टर्स को भी आप इसमें भी यूज़ कर सकते हो, आप अपने नेचुरल फोटो में भी बहुत ऑसम लगते हैं, ठीक है। सो गाइज आप सभी को मैं एडिटर में दिखाता हूँ गाइज, अब इसकी ब्राइटनेस के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया, एंड गाइज फिर भी मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस को एडजस्ट करके दिखा देता हूँ आप सभी को, ठीक है। सो गाइज ये ब्राइटनेस हमने किया गाइज, ठीक है, एंड आपको मैं दिखाता हूँ इस थर्ड वाले ऑप्शन पे, ठीक है। एंड गाइज अब इसमें आप अपने फोटो को आप थोड़ा सा मतलब गाइज इसकी ओपेसिटी को भी कम ज़्यादा रख के कुछ भी रख के आप देख सकते हो गाइज आपके सभी की फोटो कैसी एडिट हो रही है आप अपने ऊपर ऐप की गाइज आप देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे एंड गाइज हम आते हैं फोर्थ वाले ऑप्शन में, इसमें आने के बाद गाइज आप सभी का सारा खेल गाइज इसमें उसका है गाइज, ठीक है, ओपेसिटी का आपको ज़्यादा कम रखना है। एंड गाइज आते हैं ब्लर वाले ऑप्शन में, ब्लर में गाइज देखिए कुछ ज़्यादा फोटो ब्लर हो गई हमारी, तो गाइज हम इसको जीरो ही रख लेते हैं, वही बहुत वही ये सही रहेगा, ठीक है। नहीं तो हम गाइज ब्लर तो चाहिए नहीं, तो गाइज हम इसे जीरो रख लेते हैं, ठीक है। एंड आते हैं गाइज नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे, ह्यू पे गाइज, एंड गाइज इसका ह्यू में मतलब कैसे भी कलर रख सकते हो गाइज, में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कलर रखने का, आप ह्यू कैसे कैसे भी रख सकते हो, ये देखिए गाइज आप ह्यू में रख सकते हो, ठीक है, आप कैसा भी कलर दे सकते हो पूरी फोटो को, ठीक है। सो इसको ज़्यादा मतलब रखेंगे नहीं गाइज, ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है इसका ह्यू, तो गाइज हम इसको अंडो कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर से अंडो का ऑप्शन दिख रहा होगा गाइज आप सभी को इस साइड में जो मतलब डाउनलोड के बगल में, इसको हम अंडो कर लेते हैं, ठीक है। एंड स्क्रॉल करेंगे गाइज, हम जाएंगे दूसरे वाले आइकन पे, ठीक है, जब से को दिख रहा होगा, एंड गाइज डार्क वाले पे, एंड गाइज इस पे आप सभी को करना है आप इसमें अपनी फोटो को डार्क मतलब कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, मतलब ज़्यादा कम डार्क मतलब गाइज समझ गए होंगे गाइज मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, फोटो को डार्क भी कर सकते हो गाइज, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है गाइज। तो ये तो गाइज मैंने इतना तो बता दिया गाइज, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले आइकन पे, ठीक है गाइज, इस वाले पे गाइज, ठीक है। इसमें गाइज आप सभी को दिख रहा होगा गाइज, इसमें आप अपने ह्यू ल्यूमिनस जो भी है गाइज इसको आप छेड़ सकते हो, ठीक है। अब इसमें फोटो में जैसा कलर देना चाहते हो वैसा कलर दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सो अब आते हैं नेक्स्ट वाले फिल्टर पे, ठीक है। इसके गाइज एक एक फिल्टर मतलब गाइज क्या बताऊँ गाइज एकदम गजब है यार, कुछ भी कहो, ठीक है ना गाइज। अभी गाइज नेक्स्ट वाले पे आए गाइज, ठीक है, इसको गाइज हम ज़्यादा खास नहीं गाइज ये वाला फिल्टर, तो गाइज हम चलते इस वाले पे, ये गाइज अभी हमने यूज़ किए थे गाइज, सो इसको हम रहने देते हैं, ठीक है।